Good morning everyone. Continuing with our chapter, next जो हमारे पास है, हम उन ब्रांचेस में करते हैं, जहां पर टर्न ओवर अमाउंट जो है वो बहुत लार्ज होता है और जो ब्रांच है वो बहुत कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स करती है इस सिस्टम के अंडर हम खाली एक ब्रांच अकाउंट ना बनाकर हम डिफरेंट अकाउंट्स बनाते हैं नंबर ऑफ अकाउंट्स हम बनाते हैं कौन कौन से अकाउंट हैं हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं हम ब्रांच का एक्सपेंसेस अकाउंट बनाते हैं ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और ब्रांच का एसेट अकाउंट बनाते हैं तो देखते हैं इसमें क्या क्या कैसे कैसे बनाया जाता है सबसे पहले बात करते हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट की ये एग्जैक्टली exactly उसी तरीके से बनाया जाता है जो हमने पीछे मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट जहाँ पे बनाया था स्टॉक अकाउंट में डेबिट साइड पे हम उन आइटम्स को लिखते हैं जिसकी वजह से स्टॉक इंक्रीज हुआ है जैसे कि ओपनिंग स्टॉक गुड्स सप्लाई टू ब्रांच गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर एक्सेट्रा और क्रेडिट साइड पर हम उन आइटम्स को लिखते हैं जिसकी वजह से स्टॉक को डिक्रीज हो रहा है स्टॉक में जैसे कैश क्रेडिट सेल्स हो गई वेस्टेज या लॉस ऑफ गुड्स हो गया गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस या क्लोजिंग स्टॉक हो गया नॉर्मली जो दोनों साइड्स हैं अकाउंट की वो इक्वल होती है लेकिन अगर डेबिट साइड आपकी ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो इसका मतलब हम उसे लॉस ट्रेड करेंगे और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड कम है तो हम उसे सरप्लस ऑफ स्टॉक मानेंगे तो जो भी शॉर्टेज या सरप्लस ऑफ स्टॉक जो भी इस अकाउंट से आपको शो होगा उसे हम अल्टीमेटली ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और सेम चीज सेम रूल फॉलो होगा जैसे हमने पीछे बात की थी मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट के लिए कि जो ब्रांच स्टॉक अकाउंट है उसे हमेशा इन प्राइस पर बनाया जाता है देन नेक्स्ट आता है हमारा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में जो भी हम जब ब्रांच अकाउंट बना रहे थे तो जो भी हम एंट्री स्टॉक रिजर्व से रिलेटेड कर रहे थे वो सारी एंट्रीज हम यहाँ ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में करेंगे सिर्फ वो जो एंट्री स्टॉक रिजर्व से रिलेटेड है वो एंट्रीज हम यहाँ पे अलग से अकाउंट में मेंशन कर देते हैं तो यहाँ पर वही सेम ओपनिंग स्टॉक से रिलेटेड स्टॉक रिजर्व की एंट्री गुड्स सेंड टू ब्रांच से रिलेटेड स्टॉक रिजर्व की एंट्री गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच से रिलेटेड क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड एडजस्टमेंट की एंट्री अब इसमें एक चीज और है कि अगर आपका शॉर्टेज ऑफ स्टॉक है या सरप्लस ऑफ स्टॉक है जो शॉर्टेज ऑफ स्टॉक है कोई थेफ्ट ऑफ स्टॉक हुआ है या फिर कोई आपका लॉस ऑफ स्टॉक हुआ है तो उसमें भी जो इन्फ्लेटेड प्राइस इंक्लूडेड था उसकी भी जो स्टॉक रिजर्व की एडजस्टमेंट एंट्री है वो भी यहाँ पर हम मेंशन करते हैं देन नेक्स्ट जो थर्ड अकाउंट है हमारा दैट इज ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट यहाँ पर आपका जो भी एक्सपेंसेस चाहे वो हेड ऑफिस ने किए हैं चाहे ब्रांच ने किए हैं उसको हम डेबिट करते हैं और जो भी अमाउंट हमारा आएगा उसे हम ट्रांसफर कर देंगे पी एंड एल अकाउंट में देन ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस अकाउंट में जो क्रेडिट साइड है वहां पर हम ग्रॉस प्रॉफिट को लिखते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट और जो भी आपका बैलेंस ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट का है या जो आपका शॉर्टेज ऑफ स्टॉक का कॉस्ट एलिमेंट है इसे हम शो करते हैं डेबिट साइड पर जो भी डिफरेंस होगा वो आपको बताएगा या नेट प्रॉफिट हुआ है आपको या नेट लॉस हुआ है देन ब्रांच एसेट अकाउंट में हर एक टाइप की जो भी ब्रांच के पास एसेट है उसके लिए आप अलग से एक जो अकाउंट है वो ओपन करेंगे जैसे कि ब्रांच डेप्टर्स अकाउंट ब्रांच फर्नीचर अकाउंट या ब्रांच का पेटी कैश अकाउंट तो तो इस मेथड का इक्वेशन हम कर लेते हैं हम कर रहे हैं इलोस्ट्रेशन नंबर अ कंपनी हैज इट्स ब्रांच एट लखनऊ ऑल एक्सपेंसेस आर पेड बाय हेड ऑफिस एंड गुड्स आर इनवॉइस टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस थर्टी थ्री वन बाई थ्री परसेंट From the following particulars for the year ended 31st December 2002, ascertain the profit by stock and debtors system. तो so, सबसे पहले जो भी हमने accounts बनाने हैं, उनके हम format बना लेंगे branch debtors account का, branch stock account का, branch adjustment account का, branch expenses account का और branch profit and loss account का। उसके बाद हम एक-एक item एक उठाके जहाँ पे business account में आनी है, वहाँ पर show कर देंगे। तो so, सबसे पहले जो हमें given है, that is stock

स्टॉक अकाउंट में रिटर्न बाय गुड्स गुड्सेंड टू ब्रांच अकाउंट रिटर्न बाय ब्रांच 2000 का देन शॉर्टेज ऑफ गुड्स स्टॉक अकाउंट में हमारा जाएगा शॉर्टेज ऑफ गुड्स हमारी है 1200 की तो बाय शॉर्टेज ऑफ गुड्स 1200 हंड्रेड नेक्स्ट हमें गिवन है सनराइज डेप्टस ओपनिंग बैलेंस सनराइज किस का क्लोजिंग बैलेंस तो ब्रांच के डेप्टस अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस एंड ये

हमने 600 का यहाँ पर शो किया नेक्स्ट हमारी जो चीज है गिवन दैट इज सेल्स रिटर्न तो सेल्स रिटर्न है हमारी थर्टी थ्री की तो ब्रांच टेप्टर्स अकाउंट में सेल्स रिटर्न हमने लिखा थर्टी थ्री का इसके अलावा जो सेल्स रिटर्न है हमारा तो वो जाएगा स्टॉक अकाउंट में तो टू ब्रांच टेप्टर्स अकाउंट सेल्स रिटर्न थर्टी थ्री का देन नेक्स्ट जो हमारा गिवन है दैट इज कैश रिसीव फ्रॉम डेप्टर्स तो ब्रांच के डेप्टर्स अकाउंट में नहीं आती, ना में आती है ना ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में आती है ना ही ब्रांच एक्सपेंसिज अकाउंट में आती है और ना ही हमारी पी एंड एल अकाउंट में आती है तो इस आइटम को हम कहीं पर भी शो नहीं करेंगे नेक्स्ट जो हमारी आइटम है दैट इज सैलरीज बेजिस एक्सेट्रा तो ये हमारा एक्सपेंसेस में जाएगा तो टू सैलरीजेक्टर फाइव थाउजेंड नहीं ये थर्टी सिक्स हंड्रेड रुपीज के गुड्स इन ट्रांजिट थर्टी सिक्स हंड्रेड रुपीज इन ट्रांजिट जो हमारा है इसका मतलब गुड्स इन ट्रांजिट जो अभी रास्ते में है तो स्टॉक अकाउंट में जाएगा स्टॉक का ही गुड्स इन ट्रांजिट है तो बाय गुड्स इन ट्रांजिट थर्टी सिक्स हंड्रेड रुपीज दे नेक्स्ट जो हमारे पास गिवन है दैट इज राइट ऑफ फर्नीचर परचेज बाई द ब्रांच एट थाउजेंड रुपीज राइट ऑफ टेन परसेंट एप्लीसिएशन ऑन फर्नीचर तो फर्नीचर का अलग से आप एसेट अकाउंट बना सकते हैं यहाँ पे जो हमें अकाउंट्स बनाने के लिए इन्होंने बोला है उसके अंडर जो डेप्लीसिएशन हम फर्नीचर पे लगा रहे हैं वो हमारा एक्सपेंस होता है तो जो हमारा एक्सपेंसेस अकाउंट है टू तो डेप्लीसन ऑन फर्नीचर वहां पर हमने एट हंड्रेड रुपीज शो कर दिया एक्सपेंसेस पे तो अभी ये हमने सारी एडजस्टमेंट कर ली अभी हम अकाउंट्स को बैलेंस करते हैं ब्रांच को जब हम करेंगे, तो जो हमारे पास, पास कैश रिसीव्ड वाली अमाउंट भी है तो जो यहाँ पे इस साइड पे जो फिगर आनी चाहिए दैट इज आपका क्रेडिट सेल्स होती है जब भी हम ब्रांच डेप्टस अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पर क्रेडिट सेल्स हम लिखते हैं तो क्रेडिट सेल्स हमारी फिगर हो जाएगी दैट इज फिफ्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड की ये जो क्रेडिट सेल्स है स्टॉक अकाउंट में जाएगी स्टॉक अकाउंट में हमने क्रेडिट uh, साइड पर बाय ब्रांच डेप्ट अकाउंट क्रेडिट सेल्स हमने लिख दिया फिफ्टी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड का तो नेक्स्ट हम देखते हैं अपना ब्रांच स्टॉक अकाउंट ब्रांच स्टॉक अकाउंट को जब आप बैलेंस uh, uh, करेंगे तो जो आपका आएगा is, आपका ओपनिंग स्टॉक गिवन है आपका लेकिन क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है तो जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो आपकी क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगी देन ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में हमने जो जो भी हमारे स्टॉक से रिलेटेड आइटम्स हैं उनका जो स्टॉक uh, रिजर्व वाली चीज है वो यहाँ पर हम uh, ट्रांसफर करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं स्टॉक अकाउंट में हमारे पास ओपनिंग थ्री इंटू वन बाय थ्री तो जब आप इसको करते हैं तो हंड्रेड बाई थ्री आ जाता है तो परसेंटेज आपके आपकी हंड्रेड बाई थ्री परसेंट की तो वही फॉर्मूला अगर आपका कॉस्ट पे है तो आपका फॉर्मूला uh, जो यूज होता है कि रेट इनवॉइस प्राइस इंटू रेट अपॉन हंड्रेड प्लस रेट तो उसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो वन बाय फोर आएगा तो ट्वेंटी एट थाउजेंड का वन बाय फोर आ गया सेवन थाउजेंडी ओपनिंग स्टॉक का था सेम तरीके से क्लोजिंग स्टॉक का हमारा थर्टीन थाउजेंड फोर क्लोजिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व हमने यहाँ क्लोजिंग स्टॉक के रिजर्व के अलावा हमारे पास गुड्स इन ट्रांजिट है थर्टी सिक्स हंड्रेड की थर्टी सिक्स हंड्रेड का वन बाय फोर हमने यहाँ डाल लिया शॉर्टेज ऑफ गुड्स ट्वेल्व हंड्रेड की ट्वेल्व हंड्रेड का वन बाई फोर हमने यहाँ पे निकाल लिया देन आपका गुड्स सेंट टू ब्रांच है गुड्स सेंट टू ब्रांच है आपका एट थाउजेंड का और रिटर्न बाय ब्रांच है टू थाउजेंड का तो एट्टी थाउजेंड माइनस टू थाउजेंड सेवेंटी एट थाउजेंड का by आपने निकाल लिया। दोनों को जब आपने बैलेंस किया तो जो आपका आया दैट इज जो ग्रॉस प्रॉफिट आया उसे हम ट्रांसफर करेंगे आपके पी एंड एल अकाउंट में तो ये जो अमाउंट आया है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का इसे हमने ट्रांसफर किया ब्रांच के पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर देन ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट को हम बैलेंस करेंगे तो ये हमारा आता है सिक्सटी फोर हंड्रेड रुप तो ये जो एक्सपेंसेस का बैलेंस हमारा आया 6400 का इसे हम ट्रांसफर कर देंगे ब्रांच के पी एंड एल अकाउंट में टू ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट अब यहाँ पर हमें एक चीज और देखनी है कि जो भी किसी तरीके का हमारा लॉस हुआ है उसकी एडजस्टमेंट भी कॉस्ट पर हमें यहाँ पर लिखनी होती है यहाँ पे हमारा शॉर्टेज ऑफ गुड्स है ट्वेल्व स्टॉक जो अकाउंट है आपका यहाँ से वो आइटम आपको पता चलेगी जो भी आपका लॉस हुआ है लॉस बाय बाज है या शॉर्टेज ऑफ गुड्स है तो यहाँ पर हमारा ट्वेल्व हंड्रेड है और ट्वेल्व हंड्रेड में इन्फ्लेटेड प्राइस जो स्टॉक रिजर्व इंक्लूडेड था वो है थ्री हंड्रेड रुपीज ट्वेल्व हंड्रेड माइनस थ्री हंड्रेड रुपीज नाइन हंड्रेड रुपीज हम लेन एल अकाउंट में तो जब दोनों साइड्स को आप बैलेंस करेंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा तो ये था हमारा क्वेश्चन सिस्टम का अब इसमें नेक्स्ट जो चीज है दैट इज कि अगर ब्रांच स्टॉक अभी जो हमने क्वेश्चन किया वहां पर जो हमारा ब्रांच स्टॉक अकाउंट था वहां पर हमारी डेबिट साइड एक्सीड कर रही थी क्रेडिट साइड से लेकिन अगर क्वेश्चन में आपकी क्रेडिट साइड एक्सीड करती है डेबिट साइड से तो उस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे अगर ब्रांच स्टॉक अकाउंट हम हमेशा इन्वॉइस प्राइस पर बनाते हैं और जो ब्रांच है अगर वो गुड सेल कर रही है इन वॉइस प्राइस से भी हायर प्राइस पर तो जो आपकी क्रेडिट साइड है ब्रांच स्टॉक अकाउंट की वो एक्सीड करेगी डेबिट साइड से तो जो भी अमाउंट ऑफ डिफरेंस होगा वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा और उसे हम ट्रांसफर करेंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर इसका एक हम देख लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर फिफ्टीन हम कर रहे हैं लोकेश लिमिटेड सेंड गुड्स टू इट्स रतलाम ब्रांच एट कॉस्ट प्लस ट्वेंटी

आपका ओपनिंग स्टॉक का फाइव थाउजेंड ब्रांच तो सेंट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट में ट्वेंटी है आपका तो वो भी आपका ब्रांच स्टॉक अकाउंट में जाएगा बाय लॉस ट्रांसिट अकाउंट ट्वेंटी फाइव हंड्रेड का तो बाय शॉर्टेज अकाउंट थेफ्ट में गया थाउजेंड रुपीज देन लॉस एंड वेट नॉर्मल है आपका जो लॉस एट इन वॉइस प्राइस तो बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट फाइव हंड्रेड सेल्स आपकी इवन है सेल्स भी आपकी स्टॉक अकाउंट में जाएगी तो बैंक या डेप्टर्स अकाउंट सेल्स से हमने लिख दिया ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड का देन आपके एक्सपेंसिजन है तो एक्सपेंस अकाउंट में यहां एक्सपेंसिज अकाउंट अलग से नहीं बनाने के लिए बोला गया है तो जो एक्सपेंसिस का अमाउंट है हमने सीधा पी एंड एल अकाउंट में टू ब्रांच एक्सपेंसिस में लिख दिया एट थाउजेंड रुपीज देनेक्स्ट जो हमारा है दैट इज क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच एट इनवाइस प्राइस तो क्लोजिंग स्टॉक हमने ब्रांच स्टॉक अकाउंट में लिख दिया थाउजेंड का यहाँ पे लिखा हुआ है क्लेम रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी फॉर लॉस इन ट्रांजिट ट्रांजिट बाय हेड ऑफिस तो जो लॉस इन आपका ट्रांसिट बाइव हंड्रेड रुपीज का ये इन प्राइस पर है अब इसमें स्टॉक रिजर्व भी इंक्लूडेड है उसको माइनस करके उसके बाद जो क्लेम रिसीव हुआ है उसको भी माइनस करके हम शो करेंगे पी एंडल अकाउंट में क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच